क्या चल रहा है? पानी पड़ी तो। अरे डब्बे चाय कैसी लग रही? कैसी लग रही चाय जैसी? मच्छर मार रहे हैं तेरे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी सुबह हो चुके 8:30 बज रहे हैं और अभी भी छोटे छोटे से छींटे आ रहे हैं पानी के फव्वारे टाइप। रात में भी पानी आया था, कल भी पानी आया था, इसलिए व्लॉग नहीं आया क्योंकि कल पूरा दिन पानी ही गिरा। आज पता नहीं क्या होगा। वैसे 8:30 बज रहे हैं, सूरज का तो कुछ आता पता नहीं है, बस पानी गिर रहा है। और सुबह सुबह से घर में गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। और दीदी आए थे कल और अभी फिलहाल खाना बनाने की तैयारी हो रही है। मन्नू खाने में क्या बनाए? कुछ है दीदी, क्या करोगे? अचार। अचार बनाओगे? मिर्ची का अचार? मिर्ची का अचार। और मिर्ची का अचार भी होता है क्या? सतल के खाते हैं नहीं तो मुंडे में बिजली आते हैं। मुंडे में बिजली आते हैं क्या? चरके लगते हैं बस। अचार बना के खाएंगे क्या दीदी? अचार बनेगा। का खाना तो बन ही गया होगा। मन्नू क्या बनाया खाने में? सेव बनाया। सेव खाने को मिलेंगे आज? क्यों, अभी बनी थी चाय, जो कि डब्बा देखो किस तरह से बैठ गया और पी रहा है। सबका सब दीदी ने भी पी ली। दीदी पी ली चाय? अंधेरा दिख रहा और इधर डब्बा पी रहा है। अरे डब्बे चाय कैसी लग रही? कैसी लग रही चाय जैसी? मेरी हर एक बात का ऐसा ही जवाब होता है, कुछ भी बोल देता है। और इधर मन्नू जो कि हंस रही है, इसको कि ये कैसे चाय पी रहा है? क्यों मन्नू? सेब डाल के चाय पी रहा है। वो नहाने वाला था, देखो हाथ में उसके शैम्पू है। लेकिन चाय बन गए तो पहले चाय पी रहा है। मेरा केशु नहा लिया। क्यों नहा लिया? दीदी नहा लिया? नहा लिया, नहा लिया और अभी रो रहा है सोने के लिए। क्यों केशु उठोएगा? सोएगा? दादी ने जूजू बना लिया है और अभी सुलाएंगे। अरे मम्मी का राजा बेटा, देखो मम्मी के पास आएगा ना, समझो कि सो गया। चुप भी हो गया रे तू तो। अरे कैसा देख रहा है? हाँ कर रहा है। क्यों सो रहा है तू? सोएगा? बड़ी खुश हो जाती है दादी के पास है? हमारे पास क्यों रोता है तू? चलो बाय बाय। अभी दोपहर हो रही है और दोपहर में भी धूप नहीं निकली है, बिल्कुल सेम वही का वही है जो कि सुबह हुआ। सुबह था लेकिन अभी पानी नहीं गिर रहा है, धूप भी नहीं निकली है, बस इतना ही चेंज हुआ है। और मन्नू और हीना यहाँ बैठे हैं, सोच रहे हैं कुछ। क्या सोच रहे? टाइम पास। ये टाइम पास है? टाइम पास कर, कुछ काम नहीं है तो बैठे हो ऐसा? बहुत जल्दी ना तो इस घर का भी काम शुरू करना पड़ेगा। वैसे एक छत की अब ना तो सिर्फ छत बची, क्योंकि बीम डलेंगे आड़े और फिर उसके बाद छत ही डालनी है, बस इतना सा काम है इसमें। तो जल्दी से शुरू हो जाए ना, जितना जल्दी शुरू होगा ना उतना अच्छा लगेगा। ऐसे अभी तो नहीं शुरू हो रहा है। क्यों नहीं शुरू हो रहा है वो आपको आगे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं है घर पे काम करने को, इसीलिए भाई बाहर काम करने जा रहे हैं। और मेरा काम तो आपको पता ही है, मैं कहीं काम पर जा नहीं रहा हूँ, अभी घर पर ही है। घर बन रहा था तो इसमें काम कर रहा था और बाकी आपको पता ही है। शाम हो रही है और ज़्यादा ना तो कुछ हुआ नहीं, दोपहर में भी बस कुछ भी नहीं हुआ था, मैं सो गया था और अभी उठा और आज नहाया भी नहीं और ऐसे ही व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और मम्मी और दीदी यहाँ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। क्या चल रहा है? पानी पड़ी तो कोई काम नहीं काट ली तो मेरी तो है हाँ समझा। अचार का लिए बनाई थी ना? अचार कैंसर भी हुआ। क्यों? अचार में नाकड़ा मेरा सामान ही नहीं है। यार दीदी तो गजब ही करते हैं, सामान ही खत्म हो गया। मन्नू का खाना बनना शुरू हो चुका है। मन्नू क्या बना रही है आज? क्या बना रही है? भट्टे। बैंगन। सो गैस आज बैंगन बन रहे हैं और रख दिए क्यों बनाने के लिए? और मेरी मिर्ची, और ये मैं मिर्ची खाऊंगा सिर्फ बस, क्योंकि बैंगन मैं खाता नहीं। और मेरा केशु सो रहा है अभी।
मम्मी की गोदी में ही सोता है। ए क्या कर रहा है ऐसे? बस खाना बनने लगा है, भट्टे बैंगन बना रहे हैं, और दीदी ना तो अभी भी हीप बैठे हैं बाहर के बाहर। और मेरा भी ना तो ऐसा कुछ है नहीं अभी करने को, लेकिन इंस्टाग्राम रील्स बनाने जो कि मैं बनाता हूँ डेली। और एक ना तो मैंने बनाया था लेकिन अपलोड नहीं किया था, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। तो अभी किसी को बुलाते हैं, रिकॉर्ड करवाऊँगा और फिर अपलोड करूँगा। इसके टाइम से दीदी और मैं ये भी बैठे हैं, इंस्टाग्राम रील्स भी बनाना होगा। अगर आपको इंस्टाग्राम रील्स देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, क्योंकि देखो वहाँ पर ना सब का सब वो पैसे खेल रहे हैं पैसे। एक बार ना तो मैंने वीडियो बनाया था उस पर भी कि वो क्या खेल रहा है, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते रहते हैं, यहीं कहीं रहते हैं कि नहीं। अब ये एक मैदान है, यहीं पे हल्ला होता है, तो काफ़ी ज़्यादा वॉइस भी आती है, लेकिन क्या ही करें। बस अभी मैं फ़िलहाल यहीं बैठा हूँ और व्लॉग का एंड भी करवाना है। और आज कुछ खास हुआ नहीं, मुझे ये तक नहीं पता कि मैं इस व्लॉग का टाइटल क्या रखने वाला हूँ। बस जैसा कि दीदी आज ही आए हैं, और दीदी फिर आप क्यों आए हो, मतलब आप बताओ कि गए थे फिर आए क्यों हो? अब मैं वापस इसलिए आई हूँ कि ये जो हमारी रेख हाइट भी हो गई और अब छत डालने की तैयारी है। अब छत कैसे डालें उसका कुछ बैलेंस बनाना पड़ेगा, इधर से उधर इधर उधर कुछ भी करके, और इसको छत को अब डालने की तैयारी हो रही है। फिर बाद में भी छत तो डलवा ले, उसके बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो गाइस मेन मुद्दा यही है कि छत डालने के लिए आए, मतलब कि छत डलवाने के लिए आए हैं दीदी। जैसे कि पैसे भी ख़त्म हो गए, सीधी सी बात है कि पैसे भी ख़त्म हो गए, इसलिए घर को एक रोक दिया है। तो जैसे ही पैसे आ जाएंगे वैसे ही वापस से शुरू कर देंगे। और इसी चीज़ के लिए ना तो दीदी को वापस आना पड़ा। और काफ़ी लोग ना तो कमेंट करते हैं कि आपकी दीदी यहाँ क्यों रहते हैं, तो आप ना तो ब्लॉग पहले देखो कि दीदी कहाँ रहते हैं, उसके पूरा ब्लॉग देखा करो। मेन बात तो ये है कि पूरा ब्लॉग देखा करो, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन क्या और क्यों और कैसा है। तो यही बात थी, मैं और दीदी से पूछ लेते हैं कि कब तक हम डालने वाले हैं छत। क्यों दीदी कब तक डालने वाले हो? देखो अभी छत को तो लगेंगे 2-4 दिन 8 दिन। अच्छा, जैसे हमें अभी पैसे कम है तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छा, उसको बैलेंस बना के फिर सामान डलवाएंगे, उसके बाद ही में छत डलेंगे, तो 2-4-8 दिन तो लगेंगे। देखते हैं कब तक क्या होगा। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब ब्लॉग का एंड करवा लेते हैं दीदी पे ही। दीदी ब्लॉग का एंड करो जल्दी, मच्छर मार रहे हैं दीदी। चलो अभी तो मेरे पैर में कुछ हो गया है, पैर में, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। ये पता नहीं क्या हो गया था दीदी को, चप्पल लग गए थे, चप्पल लग गए, एक चप्पल ना बार बार लग रहा था तो उस पर ध्यान नहीं दिया दीदी ने, तो इतना बड़ा हो चुका है। चलो व्लॉग का एंड करो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। जरा व्यूज तो दिया करो, वीडियो देखो।